ये ऐसा होता है आर्ट। यू लवलीज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं अपना व्लॉग अपने कॉलेज से स्टार्ट कर रही हूँ, एंड ऑल्सो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सीक्रेट सांता। कुछ नहीं होता, बस एक चिट में से किस जिसका नाम है हमें उसे गिफ्ट देना होता है, बट दैट नेम इज़ अनॉनिमस, हमें कुछ पता नहीं होता। बट येस, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। अभी फिलहाल लेक्चर्स है, तो लेक्चर्स के लिए जाते हैं पहले। लेट मी व्लॉग, दिस इज योर दीक्षा'स गिफ्ट। वाओ, इतना अच्छा गिफ्ट, मेरे को क्या गिफ्ट दिया है, देख लो, इतना सा गिफ्ट है। किंडल, दिस इज फॉर यू, आई एम गिविंग। थैंक यू। ए, तेरा गिफ्ट दिखा, शो योर गिफ्ट, वॉलेट वाला, शो योर गिफ्ट, नहीं बताना, शो योर, दिस इज योर गिफ्ट, दिस इज योर लेटर, ये दिखा, एवरीवन रीड व्हाट इज दिस, कौन सी है वो, वाओ वेरी नाइस, शी वाज हर सीक्रेट सेंटर, बट अब वो सीक्रेट रहा नहीं है। को ये दिया, ये कौन है, ये कौन है यार, ये खोल के तो देख अंदर क्या है, क्या ही देखना चाहते हैं। ये वाओ, किसने दिया ये, किसका गिफ्ट है, किसका गिफ्ट है ये, खोल खोल कुछ आदि है, नहीं मुझे पता है, अच्छा तेरा गिफ्ट है, नाइस। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मतलब ये क्या होता है, कौन सा है, मैं उसको दे रही हूँ भाई, रिया का गिफ्ट, भाई रिया का गिफ्ट, सीधा ब्रोकर। Hour later. So lovelies, मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने डायरेक्ट अपने घर से व्लॉग चालू किया है। अभी मैं चेंज करके जा रही हूँ जिम, क्योंकि मैं आज जा नहीं पाऊंगी और मैं कल भी नहीं जा पाई थी जिम। तो आज एक तो इतने दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कितना है ना अम्मा, कितने, और मेरे मम्मी हेलो हेलो, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं आप लोग कैमरा पे, बट इट्स ओके, लेट्स गो टू द जिम, आई हैव ओनली 45 मिनट्स। तो यस, इस 45 मिनट्स में मुझे अपना जिम करना है और फिर आके मुझे नहाना है एंड खाना है, फिर जल्दी से भागना है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं IIT बॉम्बे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने वाली है, 6-7 बजे तक शायद से पैक हो जाता है, नहीं जाने देते, तो हमें 3-4 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना है। तो यस, लेट्स गो। आज जिम में लिटरली कोई भी नहीं है, मैं पहली बार सुबह आई हूँ एंड इट फील्स सो, मतलब ऐसे में खाली रूम में रहती नहीं हूँ, बट ये इट्स नाइस। अभी मैं आज ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, वैसे मैं सिर्फ करूँगी अपना कार्डियो एंड देन थोड़ा सा आब एंड फिर हम चलेंगे घर। चलो, मैं नहा चुकी हूँ और मैं अभी करूँगी अपना नाश्ता उर्फ खाना, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं की थी। तो यस, मम्मी पूजा कर रही थी एंड अभी हम खा के तैयार हो जाएंगे। मैं ऐसे क्यों व्लॉग कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं व्लॉग करना ही भूल गई हूँ। शॉर्ट्स की इतनी आदत लगी है कि हम शॉर्ट्स पे सिर्फ वॉइस ओवर दे देते हैं एंड फिर कट 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 वो कम्प्लीट हो जाता है, बट दिस इज रियल टास्क, बट यस आई विल गेट बैक टू इट। आई एम रेडी, बट पता नहीं मैं क्या बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हूँ एक कॉन्सर्ट के लिए, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है वाइब, इट हैज़ पॉकेट्स, यहाँ पे भी पॉकेट्स है, यहाँ पे भी पॉकेट है, यही व्हाट एल्स वी नीड, अगर हमारे पास पॉकेट है तो हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। लेट्स गो, बाय मम्मा, क्या है अंदर, बहुत ज़्यादा मैं 20 मिनट्स वेट की हूँ, ये जो महारानी है यहाँ पे, दिस पेपर, या वेरी नाइस, 20 मिनट रुकाने के बाद मुझे nice मेरे को और शबरी को, एक्चुअली शबरी एटी में पढ़ने नहीं आ सकते तो क्या हो गया, एटलीस्ट कॉन्सर्ट तो अटेंड कर सकते हैं, हाँ ना, मेंशन करना पड़ता है यार, सपने हैं यहाँ पे कितने लोगों की। वाह, दिस इज़ IIT मुंबई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है,
हमारा वहाँ पे कॉन्सर्ट है तो हम वहीं पे अभी चल चल के जा रहे हैं, पता नहीं कब तक आएगा। हमारे शुभ काम पहले होने से ही बहुत बड़ा दुर्घटना हो चुका है, हमारे सिया का एयरपोर्ट गिर गया है, नए नए दो दिन से लिए हुए, दो दिन का ही था अभी बेचारा, सिया फाइंडिंग इट कहाँ गया है। सिया वेरी गुड, वेलकम बैक टू इंडिया या ढूंढो भाई, कॉन्सर्ट छोड़ दू लौट ले यहीं पे। आई एम सीइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तुम लोगों ने देखा ये है? अच्छा सर मैंने नहीं देखा। वाओ विद अ नाइस स्काई व्यू, ये तो मेरा व्लॉग है। जितना इसने लाइमलाइट ले रखा है ना मेरे पूरे व्लॉग में है, हॉट एयर बलून एंड वहाँ पे लाइन से सब रखा हुआ है, एंड ये मजेदार चीज है यार, यहाँ मजा आएगा। ये ऐसा होता है आर्टिस्ट का वेट भाई, हम यहाँ पे दो घंटे से वेट कर रहे हैं, आर्टिस्ट आ ही नहीं रहा, ये फ्लेक्स करेगा। हाँ बस ये फ्लेक्स कर। A lot of people here may be from the north, from south, from the east and from Gujarat, Rajasthan, whatever. But मैं ब्लॉग करना भूल गई, इतनी थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। कैंपस से निकल रहे हैं, एक तो इतना बड़ा कैंपस है इनका कि निकलते निकलते बैंड बज जा रही है भाई इनके कैंपस से, इतना बड़ा है ये। हमारा 16,000 स्टेप्स हुए हमारे भाई, और मैं सुबह जिम भी गई। ओह गॉड, क्या या अब दो दिन, कुछ दो दिन कुछ नहीं, नहीं यार सलीम सुलेमान का गाना, सलीम सुलेमान हालत टाइट हो चुकी है, मेरी आवाज ऑलमोस्ट चली गई है, बट यस कल कॉलेज भी है तो देखते हैं घर पे जाके क्या हाल होता है। My voice is gone, I think. Hi lovelies, it's the next night. इसलिए मैं थोड़ी सी energetic लग रही हूँ क्योंकि कल जब मैं घर आई थी तो I was so down and was fully हमारा मेरा पैर इतना ज़्यादा दुख रहा था, एंड जब फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट किया दे लाइक कि हाँ उनका भी सेम हालत है। कॉन्सर्ट इज टू मच, आई मीन ये मेरा फर्स्ट एंड आई थिंक लास्ट
बोल सकते हैं, यू नेवर नो, कॉन्सर्ट हो सकता है. बट या इट वॉज ऑल फन एंड मज़ा आता है जब तक आपके पास ग्रुप हो. एंड वी वर हैविंग आर ग्रुप एंड बहुत बड़ा कैंपस भी था, तो आई थिंक हमें जाने के लिए एंड वहाँ पे वेटिंग लाइन भी बहुत ज़्यादा थी. मे बी इट वॉज फॉर फ्री एंड मे बी इसलिए शायद इसलिए इतनी लाइन थी, क्या पता. आई नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी अदर कॉन्सर्ट कि कैसा होता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. बट येस इट वॉज इट. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, ओ माय गॉड मैं ये बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय. स्टार्ट हो गया रे.